मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ गिरिराज चंद अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से संबंधित जो 12th की परीक्षा है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान रखें, 4 नंबर का आता है, वो बिंदु है हमारा नोटिस राइटिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 23 4 नंबर का आता है सेक्शन सी में। तो एक नोटिस कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। अब उस एग्जाम्पल के आधार पर हमें नोटिस लिखना होता है और नोटिस में 3 बातों का ध्यान रखना है कि डेट, प्लेस एंड टाइम। कौन कौन सी चीजें होती है? डेट, प्लेस और टाइम, इन चीजों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी बिंदु यदि नोटिस में नहीं दे रखा तो वो नोटिस हमारा अधूरा होता है। तो नोटिस कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम, इसके नीचे नोटिस, नोटिस का बिंदु, डेट, फिर नोटिस लिखते हैं, नीचे नीचे हम नोटिस निकालने वाले व्यक्ति का नाम, उसका डिजाइनेशन यानी पद क्या होता है, और साथ में प्रिंसिपल के द्वारा काउंटर सिग्नेचर लिखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि नोटिस को जब तक हम ब्लॉक में बंद नहीं करेंगे तब तक वो आधा अधूरा माना जाता है। इसलिए सबसे पहले आप परीक्षा देते समय कॉपी में जितना बड़ा आपको लगता है कि इतना बड़ा नोटिस होगा उसके हिसाब से ब्लॉक बना ले और फिर लिखना चालू करें। हाँ, ये जरूर नीचे से बंद न करें भले, अगर आपको लगता है कि कम ज़्यादा शब्द हो सकते हैं नीचे से बंद बाद में करें, पहले लिख लें फिर नीचे से ब्लॉक करें। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? ब्लॉक बनाना। अनुमानित हमको लगता है इतने लाइन में हमारा नोटिस आ जाएगा, क्यों? नोटिस का अधिकतम बिंदु है, शब्द सीमा होती 50 वर्ड, कितने होते हैं 50 वर्ड्स, तो उस हिसाब से ब्लॉक बनाएं। पहली लाइन इंस्टीट्यूट का नाम, दूसरे नंबर का नोटिस, तीसरे नंबर पर उसका सब्जेक्ट टॉपिक, फिर चौथी लाइन में डेट, फिर 4 या 5 लाइन में आप नोटिस लिखेंगे और इसके नीचे 2-3 लाइन और छोड़ेंगे। कुल मिला के 12 या 13 लाइन का आप ब्लॉक बनाएंगे तो आपका नोटिस आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने ब्लॉक बना रहा हूं और ब्लॉक में ही नोटिस बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ब्लॉक के हिसाब से हम शब्दों को कम ज्यादा छोटा बड़ा किया जा सकता है। ये आपका ब्लॉक बन गया है, इसमें ये ब्लॉक बना दिया और ब्लॉक बनाने का अब हम जो भी कुछ लिखेंगे इस ब्लॉक की साइज और लाइन की सीमा के अनुसार ही शब्दों को कम या ज्यादा करेंगे, या फिर आपको लगता है शब्द कम या ज्यादा हो सकते हैं तो नीचे से ब्लॉक मत करो। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम देख ले, क्वेश्चन कैसे आता है वही जैसे पहले बताया था, इमेजिन दैट यू आर सौरभ। क्या बताया है? मानो तुम क्या हो? सौरभ। सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, क्या बताया है? सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, छात्र संघ के क्या है? सचिव। किस लिए? टॉपिक है एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। माउंट आबू के लिए जो शैक्षिक भ्रमण जा रहा है उसके लिए आपको नोटिस निकालना है। किस रूप में? एक सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में आप नोटिस निकाल रहे हैं कि जो विद्यार्थी इस शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे लिखवा दे। देखिए, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, दयानंद
पब्लिक, सेकेंडरी स्कूल, दयानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल डी। लिख दिया स्कूल का नाम। इसके बाद में दूसरी लाइन पर आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, नोटिस सेंटर में बिल्कुल, क्या लिखेंगे नोटिस, दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन में आप लिखेंगे कि यह बिंदु है एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल लेटर में एजुकेशनल, एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, ठीक है। टॉपिक हो गया एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। ये टॉपिक लिखने के बाद अगला बिंदु हमारा आता है डेट। डेट का ऐसा है आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं और राइट साइड में उसको लिखा जा सकता है। पहले राइट साइड में लिखते थे, अब के फॉर्मेट में राइट लेफ्ट साइड में आने लगे, तो लिखेंगे जैसे डेट तो एजुकेशनल टूर जा रहा है, अपन लिख देते हैं दिसंबर 16, 2021। फिर इसके बाद नोट्स लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एन एजुकेशनल टूर, एन एजुकेशनल, एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, माउंट आबू इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, द टूर विल बी, द टूर विल बी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, ड्यूरिंग विंटर वेकेशन आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, कब अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद विंटर वेकेशन शीतकालीन अवकाश के दौरान इस टूर का आयोजन किया जाएगा। द स्टूडेंट्स हु वांट to go for educational tour, educational tour, the students who wants, who want to go, so who want to go for educational tour should give their names, तो should give their names to undersigned, undersigned person before
दिसंबर 2021 along with 1000 rupees and permission of parents or guardians, ठीक है। यानी क्या है कि जो विद्यार्थी इस शैक्षिक भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं वो अपना नाम अंडर साइंड पर्सन अधो हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति को लिखवाए, कब 20 दिसंबर से पहले पहले लिखवा दें और साथ में 1000 रुपये जमा कराएं और साथ में माता पिता या अभिभावक की क्या है अनुमति हो। फिर अब आपने लिख दिया, इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए नाम अभी मैंने बताया था क्या नाम बताया, सौरभ, तो लिख दिया SOURABH सौरभ जैन, सेक्रेटरी कोष्टक में स्टूडेंट यूनियन। ये सौरभ जैन के द्वारा निकाला हुआ नोटिस है, इधर काउंटर साइन के लिए RK शर्मा प्रिंसिपल, RK शर्मा प्रिंसिपल। अब ये जाके हमारा नोटिस पूरा हुआ। अब आप देखेंगे कि मैंने पहले ब्लॉक बना दिया और ब्लॉक बनाने के बाद उस ब्लॉक के अनुसार ही मैंने शब्दों का चयन किया है ताकि ज्यादा गैप नहीं रहे और आपका ये कंप्लीट बन। ये नोटिस मेरा कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से और भी कोई बिंदु आ सकता है, लेकिन उन सभी नोटिस को लिखने का मेथड हमारा एक ही होता है, इसलिए हम इन बिंदुओं को ध्यान से लिखेंगे और समझने का प्रयास करें। जैसे कि अब अगला बिंदु आता है साक्षरता अभियान। जैसे अपने गांव के अंदर साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है तो स्कूल के विद्यार्थी इस साक्षरता अभियान में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, गांव के लोगों को साक्षर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, जो विद्यार्थी साक्षरता अभियान में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाएं। कोई जैसे एनुअल फंक्शन हो सकता है और भी कोई प्रोग्राम हो सकता है तो उसकी सूचना जो नोटिस बोर्ड पर निकाली जाती है उस इंचार्ज के माध्यम से वो हमारे क्या होते हैं नोटिस। तो ये बिंदु मेरा, ये नोटिस कंप्लीट हो गया। इसके माध्यम से आप ग्रामर का यूज करते हुए और भी बहुत सारे नोटिस है जिनको आप बना सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्यों नियमित 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कंटेंट आपको भिजवाता रहूँगा। आप जो YouTube पर मेरा वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आया होगा। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे इन वीडियोज को देखें और लाभ लें, तो हमारा भी महत्व तभी है जब आप इनका लाभ लेंगे, अन्यथा कोई इसका कोई सेंसेस नहीं। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एक बात और कहूँगा, कम से कम कमेंट्स जरूर भिजवाएं कि कैसा लगा आपको, अच्छा लगे अच्छा, बुरा लगे बुरा, और मेरे अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करें। इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।